करीम अकालसलाम के बारे में जो याद आ जाता है कि अकालसलाम नमाज पढ़ा रहे होते हैं, महबूब का अपना फरमान है, फरमाया बाद औकात ऐसा होता था कि मैं नमाज पढ़ा रहा होता था, दौरान नमाज मेरा दिल करता था आज मैं लंबी गिरफ्त करूं, क्या करो लंबी गिरफ्त करो, कोई लंबी सूरत पढ़ो, आज जमात लंबी कराओ, बातें करीम है, लेकिन दिल चाहता था कि लंबी कराता, बाद औकात ऐसा होता था किसी बच्चे के होने के पीछे से आवाज आ रही, मैं मोहम्मद अरबी अपनी नमाज को शॉर्ट कर देता था, लंबा नहीं करता था, मुख्तसर फरमा देता था। अब दिल क्या चाह रहा है कि मैं किरात क्या करूं, लंबी करूं, लंबी सूरतें पढ़ूं, अल्लाह से जो बातें कर रही है लंबी करूं, लेकिन पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, मैं अपनी नमाज को मुख्तसर कर देता हूं, क्यों, इसलिए एक तो वो बच्चा तकलीफ में है, उसको कोई परेशानी है तो रो रहा है ना, उसकी परेशानी दूर करो, और दूसरी मेन वजह इसलिए कि बच्चा रो रहा है तो बच्चे की मां को भी दुख हो रहा होगा, मां के बच्चे की भी मां को भी तकलीफ होगी कि मेरा बेटा पता नहीं क्यों रो रहा है, तो मेरे करीम अकरम ने फरमाया मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं नमाज को मुख्तसर कर देता हूं ताकि मां अपने बच्चे को उठा ले और उसको प्यार दे और उसको चुप कराए, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है बच्चों के साथ प्यार और